Good morning, student. Welcome back to the next video lectures of quantity analysis for management. Again, this is Ved Prakash. I am an assistant professor in the School of Management, BVD University, Lucknow. The topic that we are going to look today is linear programming problems. So, okay, class, ये हम लोग का last video है LPP का. अब तक हम लोगों ने LPP के दो लास्ट के टू वीडियोस में हम लोगों ने LPP का कॉन्सेप्ट देखा था कि LPP क्या होता है, LPP का रोल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, LPP का एप्लीकेशंस क्या है, कैसे OR की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वहाँ पर सॉल्व किया जाता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, मार्केटिंग में उसका क्या रोल है, प्रोडक्शन में क्या रोल है, फाइनेंस में कैसे वो रोल करता है, ह्यूमन रिसोर्स में कैसे वो यूज करता है, एलपीपी को हम यूज करते हैं, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज उसको हम कैसे मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करते हैं, जितने हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट है, जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है उसको कैसे बेस्ट तरीके से यूज करते हैं, ओके तो ये सब हम लोगों ने क्लास लास्ट की वीडियोज में देखे थे, ठीक है. फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखे थे. मैंने बताया था लास्ट की वीडियोज में कि एलपीपी हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब उसको फिजिकल सॉल्यूशन हमारे पास निकालना होता है, उसमें इनफिजिकल सॉल्यूशन निकालने होते हैं, मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन निकालना होता है. तो ओके क्लास, तो लास्ट की वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल सॉल्यूशन के थ्रू हम कैसे ग्राफिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके. तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनफिजिकल सॉल्यूशन. ओके, जैसा कि फिजिबल सॉल्यूशन था ये उसका अपोजिट है इनफिजिबल सॉल्यूशन. क्लास अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में तो इनफिजिबल सॉल्यूशन का जैसा कि इसका नाम है जहां पर हमें कोई सॉल्यूशन ना मिल पाए, देयर इज नथिंग सॉल्यूशन. मतलब कि यहां पर इसको हम कह लीजिए कि हमारे जितने भी नॉन नेगेटिव है और कॉन्स्टेंट है, ठीक है, वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं. हमें यहां पर कोई एक फिजिबल रीजन नहीं मिल पाता है, हमें यहां पर कोई अपना एक कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल पाता है, तो दैट इज कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन. कि मतलब कि अगर हम किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिकली उसको रख रहे हैं वहां पर, ठीक है, एक प्रॉपर उसका हम एल्गोरिथम बना रहे हैं वहां पर, हमने सब चीजें सही से कर ली, बट कहीं ना तो कहीं जब बाद में उसका जो एक आउटपुट निकल कर आया, जब हमने देखा, हमने कॉर्नर पॉइंट वहां पर ढूंढने गए, या हमने जो रिसोर्सेज यूज किए थे, हमने जो वेरिएबल्स यूज किए, जब वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो पाया कि कहीं ना तो कहीं हमारा सोल्यूशन वहां पर नहीं मिल पा रहा, तो उसको हम बोलते हैं इनफिजिबल सोल्यूशन. तो क्लास जैसा इसका कॉन्सेप्ट है, इसको डेफिनेशन देखिए यहाँ पर, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिसीजन वेरिएबल एक्स, जहां पर z = 1, 2, 3, दैट डू नॉट सेटिस्फाई, मतलब कि जो भी आपके डिसीजन वेरिएबल होते हैं वो आपके कॉन्स्टेंट और नॉन नेगेटिव होते हैं, उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं. Simultaneously said to be constitute, इसको हम क्या बोलेंगे, infeasible solution. Simple. Okay. तो अब इसके कुछ problems को देख लेते हैं कि infeasible solution की हमारे problems कैसे हो सकती हैं. Class maybe problems हमारे कुछ भी हो सकते हैं. मैंने बताया था कि आपके cases में या तो maximization का case होगा. अगर आपकी problems class maximization का case है तो हम उसको मानेंगे profit maximization से related है. और class अगर minimization से related है तो हम उसको मानेंगे कि हमारी cost से related बात हो रही है, cost को कम करने की बात यहाँ पर हो रही है. ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर. देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन का, ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर. मैक्सिमाइजेशन का केस है तो मतलब कि ये प्रॉफिट मैक्सिमम पर बात कर रहा है. ओके, नाउ जहां पर z = 6x1 - 4x2, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट आपका क्या है, x1 + 4x2 < 4, x1 + 8x2 = 16. तो आपको यहाँ पर क्या दिखा है, एक आपका ग्रेटर देन का है, एक आपका है लेस देन का, ठीक है, और आपके नॉन नेगेटिव कांस्टेंट क्या है, x1 x2 > 0. तो ये आपका यहाँ पर प्रॉब्लम्स है. अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर निकालना है. ओके, तो क्लास जैसा कि लास्ट में भी मैंने बताया था कि जब भी फिजिकल सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का हमारा कुछ स्टेप्स होता है. सबसे पहले हमें क्लास क्या करनी होती है, इक्वेशन को सॉल्व करनी होती है. हमें इक्वेशन को एक एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यूज को निकालेंगे, हमें वहां से एक्स वन और एक्स टू दोनों की अपनी अलग अलग वैल्यू पता चल जाएगी, और इक्वेशन एक के लिए हमें दो वैल्यू पता चल जाएगी, इक्वेशन टू के लिए मिल जाएगी, ठीक है. फिर उसके बाद हमारी जो भी हमें वैल्यूज मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे, ठीक है. ग्राफ के लिए आपका एक वाई एक्सिस होगा
जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और नीचे की साइड में आपका बिलो हैंड साइड में आपका एक्स एक्सिस होगा, और ऊपर आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में आपका वाई एक्सिस होगा। ठीक है, तो मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्लास, जब भी हम हो सके तो हम लोग बोर्ड पर कोई चीज़ें सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको लैपटॉप पे तो हो सकता है हमारी स्केलिंग उतनी अच्छी ना हो पाए, बट जब हम क्लास मैनुअल करते हैं, हाथ से करते हैं, उसको कॉपी पेन पे बनाएंगे क्लास, तो प्रॉपर उसके हमें स्केलिंग करनी होगी। या फिर आप सबसे बेहतर तरीका आप ग्राफ चार्ट यूज करो, जब आप ग्राफ चार्ट को यूज करोगे क्लास तो हमें एग्जैक्ट स्केलिंग वहाँ पर पता चल जाएगी कि हमें कितना मेजरमेंट करना है। अगर क्लास मेजरमेंट पे कई प्रॉब्लम्स हो रही है, स्केलिंग हम सही से नहीं कर पा रहे क्लास, तो हमें कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल पाएगा, हमें फिजिकल सोल्यूशन वहाँ पर नहीं मिल पाएगा वहाँ पर। तो इसके लिए मस्ट है, एक कह लीजिए कि गोल्डन रूल्स है कि हमें क्या करना है, प्रॉपर उसकी स्केलिंग करनी है, या फिर हमें ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तभी हम जाकर एग्जैक्ट अपना सोल्यूशन वहाँ पर पा सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया क्लास, अब मैं इसको बहुत ही डिटेल में इसको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में, कि कैसे एक एक वैल्यू को हम कैसे निकालें। ठीक है, तो आप देखिए, आपका सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट पर आइए। इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, 2x1 + 4x2 < 4। ओके, तो क्लास सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम एक्स वन की जगह पर जीरो रख दें, ओके, तो हमें एक्स टू की वैल्यू वहां पर निकल कर आ जाएगी। तो हम x1 की जगह पर अगर हम क्लास 0 रखते हैं तो 2 × 0 + 4x2, क्योंकि हमें x2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो = 4। तो जब आप 2 किसी से भी किसी भी क्लास मल्टीप्लिकेशन करो तो ऑब्वियस सी बात है 0 ही आएगा, तो वहां पर पहला आपका x1 का काम होकर खत्म हो जाता है। अब आपके पास जो वैल्यू होती है 2x2 = 4, देन x2 = 4 / 4 = 1। तो आपका पहले आपने क्या किया, x1 की जगह पर 0 रख दिया, तो x2 की वैल्यू आपकी आ गई क्या, आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पर आप देखिए क्लास, तो आपके लिए यहाँ पर x1 के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, कॉलम में फर्स्ट कॉलम में आपका इक्वेशन फर्स्ट है, 0 और 1 आ रहा है, ठीक है, 0 और 1 आ रहा है। अब अभी तो आपने x1 की जगह पर 0 रखा था, अब आप क्या करोगे, x2 की जगह पर 0 रखोगे, ठीक है, तो सेम है क्वेश्चन, 2x1 + 4x2 < 0, हम उसको इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, तो 2x1 आप ऐसे ही रहने दीजिए, x2 की जगह पर 0 रखो, तो 4 × 0 = 4, तो जब 4 में 0 से मल्टीप्लिकेशन करो तो 0 आ जाएगा, तो देन 2x1 = 4, देन x1 = 4 / 2 = 2, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, x1 की जगह आपने 0 रखा तो x2 की जगह पर आपका क्या आ जाएगा वहाँ पर, x1 की जगह पर 2 और x2 की जगह पर आपका क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देखिए चार्ट में पहले कॉलम में आपका क्या है 0 1, और दूसरे कॉलम में आपका दूसरे इक्वेशन से आपका क्या बनना है 2 और 0। आई थिंक अब इतना डिटेल में आप लोगों को चीजें अब समझ में आ गई होंगी कि कैसे इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेम प्रोसेस दूसरे इक्वेशन के लिए भी क्लास करते हैं। आपके पास देखिए 4x1 + 8x2 > 16। ओके क्लास, तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं, 4x1 + 8x2 = 16 कर देंगे, x1 की जगह पर आप 0 रख दीजिए, तो 4 × 0 + 8x2 = 16, तो 4 से 0 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, देन 8x2 = 16, देन x2 = 16 / 8 = 2, तो आपका क्या हो जाएगा पहले इक्वेशन से क्या आपका बनेगा 0 से 2 दूसरे आ जाएंगे। When, अब हमें क्या करना है, x2 की जगह पर हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो then x1 = 4x1 + 8 × 0 = 16, then 4x1 = 16 / 4 = 4, तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका दूसरे कॉलम में क्या बन गया, आपका x1 की जगह पर आपका 4 आ गया, x2 की जगह पर हमने 0 पहले से रख रखा है, तो 4 से 0 प्लस। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट प्रोसेस हमारा है, हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, अब ये देखिए ये प्रॉपर ग्राफिंग है इसकी, इस तरीके से हमें वैल्यूज को रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट किया गया है। ठीक है, अब आप देखिए क्लास, हमें सबसे पहले जब भी हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें एक चीज कंसिडर करना है कि हमने जो इक्वेशन बनाया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 है, मिनिमम 0 है, यहाँ पर बात करोगे तो मैक्सिमम 4 है, मिनिमम आपका 0 है, तो हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा 4 तक जाना है। तो यहाँ पर देखिए मेजरमेंट कितना बेहतरीन है, 0 = 25, 25 से 0.5, 0.5 से 75, 75 से 1, 1 से 1.25, 1.25, 1.75, 2, फिर 2.25, फिर 25 से 2.5, फिर 25
फिर इस तरीके से हमने पूरा वहां पर कवर किया। क्लास तो आप जितना छोटा मेजर करोगे उतना ही आपकी जो सक्सेस की चांसेस है, मतलब उतना ही आउटपुट जो आपका आएगा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वाई एक्सेस कर दिया, एक्स एक्सेस कर दिया, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज को प्लॉट करना है, स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारा क्या है, जीरो से वन, तो एक्स वन की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स वन आपका जीरो है और एक्स टू की जगह पर क्या है आपका वन। तो यहाँ पर क्लास देखिए, यहाँ पर जीरो से वन कर दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल मेजरमेंट सही है यहाँ पर, जीरो से वन। दूसरा आ जाइए, दूसरा आप देखिए क्लास, टू से जीरो, एक्स टू पर आपका कितना है टू और एक्स वन पर कितना है जीरो, ठीक है, तो टू से यहाँ पर जीरो कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको हमने इसको यहाँ पर कर लिया प्लॉट कर, ठीक है, टू से जीरो, सॉरी टू से जीरो, एक्स टू की जगह पर यहाँ पर देखिए क्या है आपका, एक्स वन टू है, एक्स टू यहाँ पर जीरो, तो एक्स वन यहाँ पर क्या हो गया टू और एक्स टू की जगह पर हमने जीरो से प्लॉट कर दिया। और फिर आपका क्या है, जीरो से वन है, टू से जीरो है, बाद में क्या करेंगे दोनों इंटरसेक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, तो यहाँ पर देखिए ये क्या आपका पॉइंट ज्वाइन कर इंटरसेक्शन पर हमने कर दिया, ठीक है। अब आ जाइए क्लास इक्वेशन टू में, देखिए सबसे पहले आपका क्या है, जीरो से टू, तो क्लास जीरो से टू पर यहाँ पर चले आइए। फिर दूसरा देखिए क्लास, फोर से जीरो, तो यहाँ पर एक्स टू पर आपका क्या है फोर है, यहाँ पर क्या है एक्स टू पर क्या है आपका, सॉरी फोर है यहाँ पर फोर से जीरो यहाँ पर कर दिया गया, बाद में दोनों को प्लॉट कर दिया, मतलब दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। प्लस अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, फिजिकल रीजन को हमें निकालना है। तो क्लास अब आ जाइए फर्स्ट पर, देखिए पहला जो है आपका लेस देन का है, जब चूंकि लेस देन का है तो मैंने क्या बताया था, कब का क्या जाएगा वो सब आपका, अगर लेस देन का है तो वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, सॉरी पहला आपका लेस देन का है तो जिधर सिंबल होगा उसको अपोजिट देगा तो इधर चला गया, और सेकंड आप देखिए सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है, ग्रेटर देन का हो तो सब आप किधर जाएगा, आपका आउटसाइड में जाएगा, आउटसाइड में। अब देखिए आपको ये चार्ट देखकर समझ में आ रहा है, कहीं पर भी हमें फिजिकल रीजन नहीं मिल रहा है, एक पॉइंट आपका इधर भाग रहा है, एक पॉइंट आपका इधर भाग रहा है, कहीं इंटरसेक्शन पॉइंट है नहीं। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपको सोल्यूशन क्लास मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिजिबल सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड इनफिजिबल सोल्यूशन, वेयर देयर इज नो कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट, जहां पर आपका कोई भी कॉर्नर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफिजिबल सोल्यूशन, ओके। मतलब कि हमारे यहाँ पर जो भी कह लीजिए कि वेरिएबल से डिसीजन वेरिएबल थे वो कॉन्स्टेंट और नॉन लिमिटिंग को यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं करता, ओके। तो इस तरीके से हम इनफिजिबल के केस को सॉल्व करेंगे, ओके क्लास। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि इनफिजिबल का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आइए क्लास दूसरा, हम तीसरी जो हमारी टेक्निक है, ऑप्टिमम बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। जैसा इसका नाम है क्लास, कि हमें क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन आपको एक से ज्यादा मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड, इसको हम मल्टीपल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मल्टीपल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अ बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन दैट ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यूज ऑफ द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड अ बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। मतलब कि आपके जहां पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन आपको मिलते हैं That is called optimum, और हमें यहाँ पर ऑप्टिमम सोल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। अब इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, तो क्लास लगाने का हमारा तरीका सेम है, जैसा हमने इनफिजिबल को लगाया सेम उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा केस है मैक्सिमाइजेशन का केस है, जेड इज इक्वल टू 10x1 + 6x2, ओके। मैक्सिमाइजेशन का मतलब कि ये भी हमारी प्रॉफिट्स की बात कर रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की बात कर रहा है। सब्जेक्ट टू हमारे क्या है, 5x1 + 3x2 ≤ 30, x1 + 2x2 ≤ 18, और आपके नॉन नेगेटिव क्या है, x1 x2 > 0, ठीक है। तो क्लास सेम प्रोसेस हमारा फिर से वही हम रिपीट करेंगे कि हमें x1 और x2 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। वैल्यू निकालने के बाद ग्राफ पर प्लॉट करना है और उसको फिर हमें चार्ट बनाकर देखना है कि हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन कितना मल्टीपल सॉल्यूशन हमें वहां पर मिल रहा है। तो उसको फिर से मैं एक्सप्लेन करते रहा हूँ इक्वेशन को सॉल्व करने को। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं, 5x1 + 3x2 ≤ 30, तो सबसे पहले x1 की जगह पर आप 0 प्लॉट करेंगे तो x2 की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी। तो x2 की जगह 5 × 0 + 3x2 = 30, तो 3x2 = 30, देन x2 = 10। तो आपका पहला क्या बना, पहले इक्वेशन से 0 से लेकर के 10 तक करना, 0 से 10 नहीं सॉरी 0 और 10 करना। दूसरे इक्वेशन पर अगर हम x2 की जगह पर 0 रखते हैं तो 3 × 0 and 5x1 = 30, देन x1 = 30
divided by 5 then is equal to 6. तो आपके दूसरे क्वेश्चन से क्या बना आपका 0 से 6. तो यहाँ पर क्लास पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया क्या बना 0 से 20 और दूसरे से आपका क्या बना 6 से 0. तो ये हमारा था पहला इक्वेशन. अब आ जाइए दूसरे इक्वेशन को देख लेते हैं. x1 प्लस 2x2 लेस देन इज इक्वल टू 18. ओके, तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट कर रहे हैं. x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 18. x1 की जगह पर आप 0 रखिए, देन x2 की जगह पर क्या देगा 18, देन 2x2 इज इक्वल टू 18, देन x2 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9. तो आपका पहले इक्वेशन से क्या बनकर आ गया, क्या बनकर आ गया आपका 0 से 9. उसी तरीके से दूसरे पर हम करते हैं, तो x2 की जगह पर जब हम 0 रख देंगे तो x1 की जगह पर अपने आप आपका क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा. तो यहाँ पर आपका क्या बनकर आ गया 18 से 0. ठीक है, तो इक्वेशन 2 से आपकी दो वैल्यूज आपको निकल कर आ गई. पहला आपका आ गया 0 से 9 और दूसरा आपका क्या आ गया 18 से 0. नाउ अब इसको हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं. ठीक है, इसकी वैल्यूज को देखते हैं कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं. तो सेम इसी तरीके से हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और वैल्यूज को देखेंगे कि कैसे हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पर रख पा रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी है 18 है. ठीक है, ठीक है, तो 0 to 10 एंड 0 to 18. तो यहाँ पर हम देखेंगे वाई एक्सिस हमारा कितना है और एक्स एक्सिस कितना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट पर आते हैं. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट पर देखते हैं. सबसे पहले x1 एंड x2, तो x1 की जगह पर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा और x2 पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 10 हो जाएगी. ठीक है, तो हमने क्या किया वहां पर 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यूज को वहां पर प्लॉट कर दिया, क्योंकि x1 पर क्या है 0 है और x2 पर क्या है वहां पर 10. ओके, सेकेंड बढ़ते हैं. सेकेंड वन इज 6. x1 पर कितना है 6 है और x2 पर क्या है वैल्यू यहाँ पर 0. तो सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे. तो x1 पर 6 है और x2 पर आपके यहाँ पर 0 है, तो सेम वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 से 6 पर. बाद में हमने क्या किया उसको ज्वाइन करा दिया, प्लॉट करा दिया उसको. फिर उसी तरीके से आ जाइए सेकेंड पर, सेकेंड इक्वेशन पर. सेकेंड इक्वेशन कह रहा है कि 0 से 9, मतलब कि x1 पर 0 है एंड x2 पर 9 है. एंड सेकेंड वन इज 18 to 9. तो सबसे पहले हम देखेंगे x1 पर 0 टू 9, मतलब कि 0 से 9 पर उसको हम ज्वाइन करा देंगे जाकर. x1 पर हमारा 0 है और x2 पर कितना है आपका 9 है, देन 0 टू 9. फिर उसी तरीके से सेकेंड 18 से 0. अब 18 से 0 पर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया. तो बस इसको जब आप इसके बाद फिजिकल लेजर इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि क्या है आपका 5x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू 30 एंड x1 प्लस 2x2 लेस देन इज इक्वल टू 40. तो आपका फिजिकल रीजन आपका सभी अंदर साइड में बनेगा. तो हमने क्या कर दिया वहाँ पर उसको चार्ट को हमने वहाँ पर सेट इट पॉइंट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो फिजिकल रीजन मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट. ओके, तो जब इसको हम चार्ट पर प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले हमें कॉर्नर पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है. ठीक है, तो ए से हमें 0, 6 मिल जा रहा है. अब देखिए यहाँ पर बी से हमें 2 पॉइंट सेट कर रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू वहाँ पर निकालनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीका यही है कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू वहाँ पर हमारी x2 की कट जाएगी और x1 की वैल्यू वहाँ पर हमें निकल कर आ जाएगी. तो जब इस तरीके से हम न्यूमेरिकल को वैल्यूज को वहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा x1 के लिए आ जाएगा 0.86 एंड x2 के लिए आपका आ जाएगा 8.57 और सी के लिए वहाँ पर 0.9 है. तो हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यूज को वहाँ पर रख देंगे. तो पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा पहला 60 आ जाएगा. दूसरे को भी जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा है जैसे कि 10x1 प्लस 6x2, तो 10x1 प्लस 6x2 पर जब हम इसको रख रहे हैं यहाँ पर, तो वैल्यू हमारे पहले से 0 आएगी, दूसरे से हमारी 60 आएगी, थर्ड वन से हमारी 60 आएगी, लास्ट से 54 आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्लास दिख रहा है कि हमारी मल्टीपल सॉल्यूशन जो हमारा है 62 टाइम्स है. ठीक है, तो उसको जो हम इंटरफेरेंस इसका लिखेंगे उस पर सिंपल लिख देंगे कि द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू 60 अकर एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट. यहाँ पर आपका 2 एक्सट्रीम पॉइंट पर अकर हो रहा है, मतलब a पर हो रहा है और b पर हो रहा है, दोनों की सेम वैल्यू हमें वहां पर मिल जाएगी. तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी सोल्यूशन वहां पर मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन. हेंस द प्रॉब्लम इज ए मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड मैक्सिमम z वैल्यू इज इक्वल टू 60.
ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ अब लीनियर प्रोग्रामिंग की ग्राफिकल के थ्रू सॉल्व करने का हमारा लास्ट जो मेथड है वो है अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, अ सॉल्यूशन दैट वी कैन से सिंपल लैंग्वेज दैट सॉल्यूशन दैट कैन इनडेफिनेटली इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। मतलब कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो भी अगर कह लीजिए फंक्शन को अगर इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा है जो वैल्यूज को, ठीक है, मे बी कुछ रीजन आपके इनफाइनाइट अगर चला जा रहा है वहां पर, ठीक है, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट अगर इनफाइनाइट वहां पर चला जा रहा है, तो उस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारी आ रही है तो उसको हम अनबाउंडेड सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, तो अब इसी रिलेटेड प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो अनबाउंडेड का हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन का केस है, मतलब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, जेड इज इक्वल टू 5x1 + 4x2, हमारे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दो है, x1 - 2x2 < 1 एंड सेकंड वन इज x1 + 2x2 > 3 एंड नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट हमारे हैं x1 x2 > 0। तो सेम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x1 + x2 - 1, तो सबसे पहले अगर हम x1 की जगह पर 0 रखेंगे तो हमें जाकर x2 की वैल्यू वहां पर निकल कर आ जाएगी, देन 2x2 = 1, देन x2 = -0.5 यहां पर आ रहा है। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट से जो हमारी पहली वैल्यू निकल कर आ रही है, फर्स्ट वैल्यू 0 से -0.5 निकल कर आ रहा है। ठीक है, और जब हम x2 पर 0 रखेंगे तो x1 की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा, x1 = 1, देन x1 आ जाएगा आपका, दूसरे इक्वेशन से आपका वैल्यू बनेगी 1 and 0। अब इसी तरीके से इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, x1 + 2x2 > 3, देन x1 की जगह पर हम 0 रख देते हैं, देन 2x2 = 3, देन x2 = 1.5। तो आपकी पहले इक्वेशन से तो पहली वैल्यू निकल कर आ रही है, वो आ रही है 0 से 1.5, एंड इक्वेशन 2 में जब रखते हैं x1 की जगह पर अगर हम x2 की जगह पर 0 रखें तो x1 = 3, तो आपकी दो वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ रही है 3 to 0 निकल कर आ रही है। अब सेम इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर पास कुछ वैल्यू आपकी माइनस भी है, जब भी माइनस में अगर वैल्यू आ रही है तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमारा ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जाएगा अगर माइनस की वैल्यू हमारी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि -0.5, -2.5 and -5। ठीक है, तो इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारा 0 से -0.05, तो 0 आपका x1 पर है और x2 पर क्या है -0.5, तो यहाँ पर ये वैल्यू को हमने प्लॉट कर दिया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा 1 से 0, तो 1 से यहाँ पर 0। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी एक कह लो कि कोई हमें फाइनाइट एरिया बताया जा रहा है तो वो नहीं बताया जा रहा, तो ये आपका ये इनफाइनाइट यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये चला जाता है, लंबे तक इसको हम खींच सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से अगर हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर दूसरे इक्वेशन से आपका आया है 0 से 1.5, तो 0 से 1.5 पॉजिटिव में गया है तो उसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और दूसरे से आपका आया है दूसरे इक्वेशन से 3.0, तो यहाँ पर 3.0, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कोई भी हमें कोई एक कह लो कि एक फाइनाइट एरिया नहीं बताया जा रहा, तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ही चला जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर सभी आपकी जो फंक्शन है क्या है आपका, एक आपका ग्रेटर देन है, एक आपका लेस देन है। ठीक है, पहला जो है आपका लेस देन है, तो पहला हमारा इस तरीके से जब हमें कोई सॉल्यूशन मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जहां पर हमें एक्सट्रीम पॉइंट वहां पर इस तरीके से मिलेगी, तो यहां पर आप देख रहे हो ए और बी आपको कुछ रीजन मिल रहा है, जहां पर ए से सॉल्व करोगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तो 6 आएगा, दूसरे से आपका कितना आएगा 12। तो इस तरीके से अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि एलपीपी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका एलपीपी से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट खत्म होता है। हम लोगों ने एलपीपी से रिलेटेड 3 वीडियो देखे हैं। ठीक है, पहला हम लोगों ने देखा कि एलपीपी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलपीपी का यूज क्या है, कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, एलपीपी के क्या क्या स्कोप होते हैं, एलपीपी के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, कैसे ये मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है, कैसे ये प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, कैसे ये फाइनेंस में हेल्प कर रहा है, कैसे ये एचआर में हेल्प कर रहा है, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने एलपीपी के एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेज देखा। हमने ये देखा कि एलपीपी से रिलेटेड अगर कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि फिजिबल सॉल्यूशन हमारा आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इनफिजिबल अगर हमारा सॉल्यूशन आ रहा है तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीपल सॉल्यूशन भी हमारे आ जाएंगे वो भी हम लोगों ने देखा, एंड लास्ट हमने क्या देखा कि अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ओके क्लास, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन
कि एलपीपी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एलपीपी के अगर आप पूरे वीडियोस देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एलपीपी का क्लियर हो जाएगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।